80 से ज्यादा देशों में पैर पसार चुके कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। वहीं इस वायरस को लेकर कई भविष्यवाणियों के बारे में खुलासा हो चुका है। इसी तरह एक और भविष्यवाणी सामने आई है, जिसके अनुसार 40 साल पहले ही इस भयानक वायरस की बात कह दी गई थी। 1981 में लिखी इस किताब में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चीन में फैलने का जिक्र किया गया था। सोशल मीडिया पर इस भविष्यवाणी को लेकर कई मैसेज वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही किताब के जिन पन्नों में उस वायरस का जिक्र किया गया था, उसको लोगों ने शेयर कर इसकी पूरी जानकारी को दे दिया है। दरअसल 1981 में अमेरिकी उपन्यासकार डीन कोंट्ज ने द आई ऑफ डार्कनेस नाम का सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास लिखा था। इसमें भी कोरोना वायरस की तरह ही एक महामारी का जिक्र किया है। इसमें महामारी को वुहान 400 नाम दिया गया था। इस किताब के पन्नों को शेयर करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि क्या कोरोना वायरस चीन द्वारा निर्मित एक बायोलॉजिकल वेपन है, जिसे वुहान 400 नाम दिया गया था। ये किताब 1981 में प्रकाशित हुई थी। इसके अंश को पढ़कर देखें। हालांकि इसे लेकर अब सफाई दी जा रही है कि ये किताब जिसमें महामारी का जिक्र है, वो कोरोना वायरस से पूरी तरह अलग है। उसके लक्षण, उसमें मौत की दर सभी पूरी तरह से अलग है। दावा किया जा रहा है कि किताब में बताई महामारी चीन नहीं बल्कि रूस के शहर से आई थी, जबकि किताब के ओरिजिनल वर्जन में इसे सोवियत का बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा भी किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर किताब के जिन कुछ पन्नों को शेयर किया गया है, वो उस किताब का हिस्सा नहीं है, वो किसी दूसरी नॉवल के अंश हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।